इंडियन आर्मी के जवानों का मनोबल चाइना को देखकर डाउन हो रहा था। चाइना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज चाइना ने उतार दी थी बॉर्डर पे, ऐसे चीज़ें कर रहा था कि हमारे भारतीय सेना का जवान का जो हमारा मनोबल है वो डाउन हो रहा था। लेकिन उस जवान के मनोबल को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया भारत की डीआरडीओ ने। डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक घातक हथियार तैयार कर दिया है, शायद ये चीन भूल चुका है। तो आज चीन को इस चीज़ को याद दिलाने की ज़रूरत है, और ये हमारा घातक हथियार आज के समय एक्टिव है। अमेरिका का एक B-2 स्टिल्थ जहाज है, ठीक है, जिसकी रेंज है 7,000 किलोमीटर। 7,000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारे भारत से कन्याकुमारी से अगर कहीं फायर करते हैं तो बहुत अच्छा खासा नुकसान भी होगा किसी भी देश का, ठीक है। 7,000 किलोमीटर बहुत होता है। B-2 स्टील जहाज जो है वो USA का है बनाया हुआ। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, काफ़ी वजनी है और 1,000 बम एक साथ ले आए किसी भी देश पर गिरा सकता है। मतलब हथियारों का जखीरा भरकर, बमों का जखीरा भरकर एक बार में किसी देश पर गिरा सकता है। मतलब उस देश का हाल क्या होगा आप समझ सकते हैं, ठीक है। वो भी एक दो नहीं, 1,000 बम एक बार में गिरा सकता है, ठीक है। 7,000 किलोमीटर दूर तक चला जाता है ये जो B-2 स्टील जहाज है, अमेरिका का है ये, ठीक है। चाइना आप जानते हैं ऐसा टू कॉपी देश है। आप इंटरनेट पे कभी सर्च करके देखिएगा कि चाइना ने आज तक कितनी सारी चीज़ें एक लाइन से कॉपी करके बैठी हुई है। दुनिया की सारी जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको कॉपी कर रखा है। क्लासिबनिकोव ने 1947 में AK-47 एक गन बनाई थी जो एक सेकंड में 16 राउंड फायर करती है, उसको भी कॉपी करके AK-56 चाइना ने बना लिया। जो भी मैं B-2 स्टिल्थ जहाज की मैं बात बता रहा हूँ, इसको भी चाइना ने कॉपी करके बना लिया। चाइना ने कॉपी कर H-20 जहाज बना लिया, ठीक है। एक हफ्ते तक चाइना ने कंटिन्यू परीक्षण किया, दिखाया इंडियन आर्मी को अपनी धौस कि हम भी कुछ हैं। इंडियन आर्मी ने कहा कि चलो भाई ठीक है, आप कुछ तो दिखा लो। तो इन्होंने दिखा लिया कि लगे कि सामने कोई दुश्मन टाइप का कुछ है। चाइना ने कॉपी करके तो बना लिया H-20 और इसकी धमक भी दिखा दिया एक सप्ताह तक। लेकिन जब ये मतलब जो B-2 उसका अमेरिका का स्टील जहाज था उससे काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट था और काफ़ी ज़्यादा बॉम्बर गिरा सकता था एक बार में, हमारी भारतीय सेना का मनोबल इससे डाउन भी हुआ कि यार सामने वाले पास इतनी बेहतर और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतना ज़्यादा फायर करने वाली, इतनी ज़्यादा अटैक करने वाली इन्होंने टेक्नोलॉजी कैसे भी करके इन्होंने तैयार कर लिया। भारतीय सेना का मनोबल सातवें आसमान पर पहुँचने के लिए भारत के DRDO ने कदम बढ़ा दिया था। भारत के DRDO ने डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उस टाइम OTH लगा दिया था। और OTH आप उसकी फोटो देखेंगे ना तो आपको लगेगा कोई घर की ढलैया हो रही है, लेकिन वो घर की ढलैया नहीं हो रही है, ओवर द होराइजन रडार। DRDO चीन को और पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करनी, चाइना को तो जीने ही नहीं देना चाहता। सिर्फ अगर DRDO की बात कर दो, जीने ही नहीं देना चाहता। जो टेक्नोलॉजी वो बना के कॉपी करके काम चालू करके रखता है उसका बाप बना के तैयार कर देता उसको। मतलब वो अगर छोटा मटेरियल बनाएगा तो उसके बाप के बराबर वाली चीज़ बना के DRDO तैयार कर। चाइना करे तो करे क्या। अभी DRDO ने कुछ दिन पहले ही कमाल करके दिखा दिया था, ओवर द होराइजन रडार 5,000 किलोमीटर तक, 5,000 किलोमीटर तक किसी भी विमान को पकड़ सकता है आराम से। चाइना हमसे 5,000 किलोमीटर दूर है नहीं, 5,000 किलोमीटर दूर बहुत होता है। चाइना 5,000 किलोमीटर तक तो दूर तो है नहीं, पाकिस्तान तो है नहीं, 5,000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। चाइना करे बॉम्बर की तैनाती, अगर हमारे रडार टारगेट में वो दिखता है तो हम ऑफकोर्स हिट करेंगे। और हमको हमारे पास अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी कि हम आने वाले 5,000 किलोमीटर बहुत होता है कि वहाँ से हम किसी को देख सकें। लेकिन अब DRDO ने इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर दिया जिसका नाम है ओवर द होराइजन रडार। 5,000 किलोमीटर तक चाइना एकदम बुद्धि पागल हो गया कि हाँ भाई हम करें तो करें क्या, हमने इतना मेहनत करके इसको कॉपी करके कैसे कैसे इंटरनेशनली प्रेशर झेल के हमने बनाया और भारत के DRDO ने पता नहीं क्या बना दिया छड़ लगा के ओवर द होराइजन रडार, अब 5,000 किलोमीटर तक हमको जीने ही नहीं देगा। DRDO की इस ग्लोरियस सक्सेस पर और DRDO की इस अच्छे कारनामे पर आपका क्या मानना है, OTH के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।